हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी इवनिंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में आज बनाई है लौकी की सब्ज़ी और रोटी। बहुत लाइट सा खाना बनाया है, हरा धनिया डाला है इसमें भी। और बाहर आए हुए हैं पापा जी यानी मेरे ससुर जी, तो बस उनके लिए खाने की प्लेट लगा रही थी मैं। तो ये आज खाने की प्लेट है और पापा खाना खा रहे हैं। उनकी आँख अभी थोड़ी थोड़ी ठीक है, थोड़ी थोड़ी नहीं है। अभी लेंस डलवाया था, आप लोग बताया था, उसके बाद सीधे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बच्चों के लिए बनाया था पराठा, ऑर्गेनो पराठा। पहले भी आपके साथ में शेयर किया हुआ है, तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाया था। कल मैं फिर खाने खिलाने वगैरह में लग गई और फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए, तो बस इस तरह से बिज़ी हो गई, तो ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। बस थोड़ी सी क्लिप शूट की थी और उसके बाद सीधे मॉर्निंग में ऑर्गेनो पराठा बना रही हूँ। मैं सोचा शूट कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं आजकल, तो लंच बॉक्स की रेसिपीज सभी को चाहिए होती है ना। तो सुबह सुबह तो बहुत जल्दी जल्दी रहती है, तो बस जल्दी जल्दी में शूट किया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो पराठा का आटा हम जैसे लगाते हैं, वैसे ही मैंने हल्का नमक डाल के लगा रखा है आटा। और उसके बाद में मैं ऑर्गेनो पराठा जिस तरह से बनाऊँगी आपके साथ में शेयर करूँगी। देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैला लिया है देसी घी को पराठे के ऊपर, और अच्छे से फैला लेना है ना, तो बच्चों के लिए तो वैसे भी देसी घी अच्छा होता है। तो उसके बाद ये ऑरिगेनो है मेरे पास, पैकेट में भी आता है ये मेरे पास, ये डब्बी है, हस्बैंड ले आए थे एक बार। तो इसको स्प्रिंकल कर दूंगी इस पर बीच में स्टफिंग की तरह, है ना। तो इस तरह से इस पर सारे में छिड़क लेना है, स्प्रिंकल कर लेना है। तो ये वाला पराठा बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना लंच बॉक्स में क्या दो, तो कभी कभी ये वाला पराठा भी दे सकते हैं, है ना। और उसके बाद में ये अंदर की साइड में मैं ट्रायंगल पराठा बना रही हूँ। ट्रायंगल पराठा श्रीजा सक्षम को पसंद है, तो यहाँ पर फिर मैंने घी लगा के इसको फोल्ड कर दिया। अच्छा, ये जो ट्रायंगल पराठा होता है ना, इसकी लेयर्स खुलती हैं, तो वो बड़ी अच्छी टेस्टी लगती हैं बच्चों को। और बहुत सारा घी भर जाता है ना, तो बड़ी करारी करारी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बहुत टेस्टी बनती हैं। और फिर इसको ट्रायंगल पराठा जैसे बेलते हैं वैसे मैं बेल लूँगी धीरे धीरे हल्के हाथ से। और इसी तरह मैंने श्रीजा सक्षम का एक एक पराठा बनाया था मॉर्निंग में। तो आप लोग नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई करना, अपने बच्चों को देना, तो उनको अच्छा लगेगा, है ना। तो इसको आप सॉस के साथ में भी रख सकते हैं, और मेरे बच्चे तो ऐसे ही प्लेन ही खा लेते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी भी बच्चे स्कूल गए हैं और मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो आपने अगर ये ऑर्गेनिक पराठा, ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनो पराठा कभी नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करना। इधर मशीन लगी हुई है मेरी, कपड़े हो चुके हैं लगभग वॉश, और कपड़ों को डालूंगी स्टैंड पे। और यहाँ पे मैंने ये कुछ कवर धोए थे ना अपने सोफे के कुशन के, तो इनको भी लगा देती हूँ, है ना। चीज़ें टाइम पे लगती रहें तो वो लग जाती हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और ये वाले जो मेरे कवर है ना, ये ऐसे ऐसे एक आध दिन पड़े गए तो ठीक लगते, लेकिन थोड़े ख़राब हो गए। मतलब ऐसे ऊपर से देखने में लगता है जैसे इनकी जिप ख़राब हो गई, कहीं कहीं से इनके धागे निकल गए, तो फिर वो ठीक नहीं लगते, है ना। तो मैं इनको जब वॉश करती हूँ तो ये चढ़े पड़े रहते हैं ऐसे, और फिर वो बेकार भी नहीं लगते देखने में। तो मैंने मतलब जो मेरे कुशन कवर या पिल्लो कवर पुराने हो जाते हैं ना, तो मैं पिल्लो पे लगे ही छोड़ देती हूँ या कुशन पे लगे ही रहने देती हूँ, कि जब वॉश होते हैं तो वो अंदर के जो वाइट वाला हिस्सा होता है, वाइट वाला इसके अंदर के, तो वो साफ रहता है। क्योंकि उनको उठा के भी रखो तो वो जगह घेरते रहते हैं, तो मुझे लगता है इससे तो इस पर ही चढ़े रहने दो। तो मेरे कई सारे पिल्लो ऐसे हैं जिनके दो तीन कवर खराब हो गए, पुराने हो गए, तो मैं उसी पे स्टिच कर देती हूँ और फिर नया कवर साफ डाला और फिर वो उतारा। तो ये मेरे दिमाग की उपज है, ऐसी ट्रिक मैं अपनाती हूँ। आप लोग भी करते हो क्या? नहीं करते तो करके देख लेना, ऐसे ठीक रहता है। क्योंकि जो सारे पिल्लो कवर कभी कभी पुराने इकट्ठे हो जाते हैं, क्या करूँगा, है ना। तो बस मैं इनको चढ़ा देती हूँ, और यहाँ पर कुछ मेरी डब्बियाँ धुली हुई रखी हैं सूखने के लिए, इनको जगह पर लगाऊंगी। तो किचन में इतनी जगह नहीं रहती ना, फिर इनको एक जगह रख देती हूँ। और दोस्तों कल का जो व्लॉग आया था उसका टाइटल मैंने थोड़ा अजीब रखा था, कि पति पत्नी के रिश्ते में पैसा कहाँ से आ गया। बात ही कुछ ऐसी थी, आपके साथ में भी शेयर करूँगी, आप भी हो गए यार कैसी बातें हैं, ये उल्टी सीधी पैसे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में है ना। तो कल मेरे को कोई कमेंट आया, मतलब वो मुझे कमेंट तो करते हैं, कभी अच्छे कमेंट भी करते हैं, निगेटिव तो उन्होंने कभी नहीं करे, लेकिन हो सकता है वो मजाक करते हो मेरे साथ में कुछ, तो है ना। उन्होंने मुझे लिखा कि आपने अपने हस्बैंड को किडनी देने के बदले में पैसे लिए थे, मतलब आपके हस्बैंड ने आपको किडनी मतलब इसके बदले पैसे दिए थे। तो मेरे को ये सवाल ना कुछ समझ नहीं आया सच्ची में। ये रूम मेरा सेट हो गया है, तो यार ये मजाक का टॉपिक नहीं है। जिनको ये मजाक लगता है ना, तो मैं यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ और बात कर रही हूँ आपसे, तो आप लोगों के लिए शायद ये चीज़ें मजाक होंगी। मेरे को पता है मैंने कितना झेला है इस चीज़ को। मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से निकलने में 5 साल लग गए, इतनी रिच में होती तो है ना, कैसे क्या क्या कर लेते हैं हम लोग। और एक बात बताओ, एक पत्नी एक वाइफ जो होती है ना,
जब शायद कोई लाइफ में आपकी साथ नहीं देता तो आपकी वाइफ आपका साथ देती है, ये रियलिटी है। तो मैं हर एक रिश्ते के लिए कह रही हूँ, और मुझे नहीं पता भाई सारी पत्नियाँ ऐसे करती होंगी या नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाइफ्स पूरी तरह डिवोटेड रहती हैं अपने हस्बैंड के लिए, तभी तो इतना कुछ करती हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। तो फिर उनसे कोई क्वेश्चन ये बोले कि तुमने ये काम करने के लिए पैसा लिया था हस्बैंड से, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, तो वो मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने ये सब क्यों लिखा। ये मजाक का टॉपिक नहीं है दोस्त। तो इस टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे, ब्लॉग को आप पूरा देखना, लेकिन उससे पहले मैं आज की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स रेसिपी का वेट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे और एक और रेसिपी बनाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी आपको लगेगी, स्वीट है वो। तो उससे पहले हम कढ़ी पकौड़ा बना लेते हैं। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने एक दही और बेसन को घोल के रख दिया है बैटर बना के। इधर मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। पकौड़ों के लिए थोड़ा सा बेसन लिया, उसमें हल्दी डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा नमक डाला और चुटकी भर सोडा डाला, मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से ना पकौड़े बहुत फूले फूले बनते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है कि आप सोडा डालना चाहते हो। नहीं, मैं कभी डाल लेती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। और कभी कभी मैं इसके अंदर प्याज, हरी मिर्च और काफ़ी अदरक वगैरह भी डाल देती हूँ पकौड़ों में, लेकिन आज मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही बना रही हूँ। ऐसे भी बहुत यम्मी बनती है ना, तो ये पकौड़े देखो गोल मटोल बन रहे हैं। सोडा डालने से ना डबल हो जाते हैं साइज में, फूल जाते हैं, कितना फूल रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सुंदर गोल गोल बन रहे हैं। बेसन ना आप जितना ज़्यादा फेंटोगे हाथ से उतना ही बढ़िया उसका वो चिकनापन आ जाता है, उसमें फूल आस हो जाता है, फ्लफी सा। तो यहाँ पे सारे पकौड़े डाल लेंगे हम। ये पकौड़े दो बार करके मैंने फ्राई किए थे, तो पकौड़े के बिना तो कढ़ी पकौड़ा अधूरी है ना, तो बस आज हम कढ़ी बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सारे पकौड़े डाल लेती हूँ और इनको फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी देर तक इनको हिलाऊंगी नहीं, क्योंकि फूले फूले रहते हैं, हल्के हाथ से हिलाती हूँ, एकदम अपने आप ही भून जाती हूँ, पक जाती हूँ। तो कितने सुंदर पकौड़े बनाए, डबल हो गए बिल्कुल साइज में। तो इनको हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी गोल में, और उसके बाद निकाल दूँगी अलग प्लेट में। तो ये मैंने निकाल दिए थे, और उसके बाद कुछ मैंने सब्जियाँ कट करी हैं, जैसे प्याज, अदरक, लहसुन, थोड़े से राइस भी लिए हैं और हरी मिर्च ली है। राइस मतलब चावल, आप मोटे ले लो, कोई से भी चावल ले लो जो आपके पास हैं। तो कढ़ी में मैं चावल का यूज़ भी करती हूँ, हर कोई नहीं करता, लेकिन यूज़ इस टाइम में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने खड़ी लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा मेथी दाना डाला, और उसके बाद में हींग डाला, और उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक डाला है, और साइड में वो चावल डाल दिए हैं एक मिट्टी। और इन सब मसाले को मैं फ्राई करूँगी, इनको मैं हरी मिर्च भी डाल दूँगी, इन चीज़ों को सबको हम फ्राई कर लेंगे। जो हम चावल डालते हैं ना बड़े फूले फूले से हो जाते हैं, बर्फ़ का टेस्ट होता है कढ़ी के अंदर, तो आप लोग नहीं डालते तो कभी ट्राई करना। तो ब्राउन राइस का डब्बा डाल रही है, मैंने सूप डाल दिया कि आप चाहो तो मोटे चावल डाल लो, चाहते हो बासमती डाल लो, कोई भी डाल लो, मैं भी डालू टेस्ट करते हैं, मैं डालती हूँ मतलब। तो मेरे स्टाइल में बना रही हूँ तो सेव करना। उस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ जो हमारा बैटर है कढ़ी का उसको अच्छे से चला लेंगे। तो मैंने और पानी मिला दिया है, जिस करके मैंने पकौड़े के लिए बेसन घोला था उसे मैंने पलट लिया है और पानी डाल दिया। देखो पतला कर लिया इसको बिल्कुल, तो काफ़ी पतला सा बैटर रहता है कढ़ी का, तो पक पक के वो गाढ़ा हो जाता है। और हमारे यहाँ तो कढ़ी को कढ़ी कहते हैं, जो कड़ कड़ के बने है ना। और उसके बाद यहीं पर मैंने थोड़ी हल्दी डाल ली, आपकी मर्ज़ी, आप बाद में भी डाल सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पर मैंशन करूँगी, कढ़ी में ना हमेशा नमक बाद में डालनी चाहिए, मतलब जब वो पक जाए काफ़ी हद तक। पहले डालोगे तो कड़ी के फटने का डर रहता है कभी कभी, तो वो ना इतना पंचा खत्म हो जाता है, छोटे टुकड़े से हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं एक रेसिपी और आपके साथ में शूट करूँगी, जो कि बहुत टेस्टी है, और वो पकी हुई रोटियों से आप बना सकते हो। जैसे रात में ये रोटियाँ बच गई थी दो, है ना, हर किसी के घर में रोटियाँ बची जाती हैं, तो है ना एक दो रोटी, तो रोटियाँ वेस्ट कभी नहीं करनी चाहिए, या तो गाय को खिला देनी चाहिए, या ये रेसिपी बना लेनी चाहिए। और ये मेरी खुद की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी मैं बहुत पहले से बनाती हूँ, शादी से भी पहले से, तो मेरे को ये बहुत ही फेवरेट है। कभी मीठा खाने का मन है और आपके घर में रोटियाँ बच गई हैं, तो आप इस तरह से उसका यूज़ करो, सब लोग खा जाएंगे, कोई छोड़ेगा नहीं इसको। तो यहाँ पे मैंने रोटियों के टुकड़े तोड़ लिए हैं, रोटी को तोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे टुकड़ों में, तो आपको भी ऐसे ही तोड़ लेना, मतलब रोटी ये रात की है, बहुत ज़्यादा बासी भी नहीं होनी चाहिए ना, फ्रेश सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे रोटी को मैंने तोड़ लिया इस तरह से, कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है, उसमें एक चम्मच घी डालूंगी। आप ज़्यादा घी रखाते हो तो आप थोड़ा और ज़्यादा डालो, एक चम्मच पे लेकिन काम हो जाएगा। ये पिघल गया है, उसके बाद मैं इसमें डालूँ शुगर,
उसके बाद देखो अंदाजे से मैं डाल रही हूँ दो रोटियों में कितना मीठा सही रहेगा। आप ज़्यादा मीठा खाते तो आप ज़्यादा गोला थोड़ा कटा हुआ सा रखा हो उस गोले को बाहर रख दो, जम रहा है तो खा नहीं रहा। इससे अच्छा तरीका आई थिंक बची हुई रोटी को यूज करने का नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मैं कड़ी चला रही हूँ, कितना अच्छा कलर आया कड़ी का, अभी तो काफ़ी हद तक पकेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी और टेस्टी हो जाएगी। तो मैं ये काम बहुत जल्दी कर रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे को नहीं जाना। और यहाँ पे देखो मेरी शुगर इस तरह से हो गई है, तो शुगर को हम अच्छे से बैट कर लेंगे जब तक ये पिंक ना हो जाए, मतलब जलाना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो कड़वा हो जाएगा। उसको बार बार चलाते रहेंगे। तो जैसे ही मेरी कड़ी में अच्छे से उबाल आ गया, खदकने लग गई, तो मैंने यहाँ पकौड़े डाल दिए। पकौड़े इस टाइम पर डालना ठीक रहता है जिससे कि उसके अंदर तक कड़ी भर जाती है, टेस्टी हो जाती है। यहाँ पर देखो मेरा जो शुगर है वो सारा मेल्ट हो गया, तो इस शुगर मेल्ट में मैं अभी जो रोटी के टुकड़े मैंने तोड़ के रखे थे ये डालूंगी, उनको अच्छे से उससे गले नहीं शुगर और ये उसका कोटिंग हो जाएगी शुगर। अच्छे से चला लेंगे, भून लेंगे इसको अच्छे से। बस ये ध्यान रखना है गैस को सिम रखनी है, शुगर जलती रहेगी, क्योंकि शुगर में हमने कोई पानी वाली कुछ नहीं डाला, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। गैस बिल्कुल सिम होनी चाहिए, उसके बाद में इसको थोड़ा भून शुगर हमने इसमें भून लिया, पहले लालच में करी भूनने के बाद में शुगर का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से ये देखने में लग रही है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे भूनते रहेंगे। थोड़ा सा दूध चाहे तो आप और भी डालो। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर, अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप जो गोला होता है ना सूखा गोला उसको कट करके पीसर में डालो, वो और भी टेस्टी लगता है, या कस के डाल लो। तो ये तो मेरे पास कोकोनट पाउडर रखा हुआ है, तो बेसिकली मैं डालती गई हूँ गोला कस के, गोला पड़ा ही रहता है फ्रिज में हमेशा, कभी मम्मी देती हैं कभी जैसे मंडे आते हैं क्या चार रहता है भाई दूज का, तो मतलब रहता ही है घर में सभी के या पूरा घर का बचा हुआ। तो इस तरह से मैंने इसमें डाला है कोकोनट पाउडर, आप गोला भी डाल सकते हो, उसको अच्छे से हम भूनेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे हमने नमक की रोटियाँ बची हुई रखी है ना पराठा और रोटी, उसको और भी टेस्टी लगता है, होता है नमक का स्वाद आता है। देखो भूनते भूनते ही इस तरह का हो गया, और बाद में इसमें थोड़ा सा दूध और भी डाला था मैंने हल्का सा, इसको सॉफ्ट हो गया कड़ी जो यम्मी लग रही है। और इस टाइम पर मैं इसमें नमक डालूँगी, तो मैं हमेशा बाद में नमक डालती हूँ, नमक नहीं डालती, लेकिन नीचे थोड़ा सा पकड़ा इसको उतार लेते हैं तो जम जाएगा और बहुत यम्मी लगता है। तो आप इस तरह से इसको ट्राई करना और बताना कैसा बना था। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, आप यकीन मानो ये बहुत टेस्टी लगता है यार, बहुत स्वादिष्ट लगता है। दूध बाद में थोड़ा सा और डाल लिया था जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए, बहुत वैसा ना रहे, लेकिन इसको भून भून के पकाना है। यहाँ पर कड़ी बहुत यम्मी बन गई है, इसके मुँह में पानी आ रहा है कड़ी को देख के, कमेंट करके जरूर बता देना पकौड़े देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं ना देखने में, खत्ता खा रही है कड़ी। वैसे भी मैं बैठी हुई अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी और कल के ब्लॉग का टाइटल बड़ा ही अजीब था, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं सोचा ये टाइटल डालती हूँ। पता कमेंट करो आप हमारी लाइफ को भी जज करो, क्योंकि हम खुद अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हैं आपसे, लेकिन कुछ भी कमेंट करने से पहले या कुछ भी कहने से पहले सोच लो कि सामने वाले पे क्या बीत रही होगी। जब मैंने एक कमेंट, पता कभी कभी मैं नाम भी नहीं लूँगी उनका, मुझे नाम याद भी है वैसे तो, और उन्होंने कोई फेक ही नाम रख रखा है, वो देखते ही हैं मेरी वीडियो, बहुत सारे कमेंट मिलते हैं मुझे उनको उनके। कभी कभी मुझे कुछ लोगों के बड़े ही अजीब व गरीब, एक बार मुझे पता है क्या कमेंट मिला, ये श्रीजा बहुत शैतान हो रही है इसकी शादी कर दो, मतलब ये क्या सिर पैर का कमेंट है, छोटी बच्ची मेरी पढ़ रही है अभी 6th-7th क्लास में और कोई मुझे कमेंट कर रहा है इसकी शादी कर दो, और कोई लड़की का ही नाम था वो भी। तो चलो ठीक है वो एक मजाक मैंने समझ लिया, लेकिन ये इस तरह की मजाक नहीं होती है। तो और मुझे कमेंट आया कि आपके हस्बैंड ने आपको किडनी के बदले पैसे दिए थे, यार मेरे को इन सब बातों का मतलब नहीं समझ में आता। आप ठीक है मजाक कर रहे हो तो, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है, मैं आपको निगेटिव भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं ये आपसे शिकायत कर रही हूँ थोड़ी सी, आप ये मानो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। ईश्वर को कब किसकी बात खराब लग जाए बुरी लग जाए पता नहीं, तो अपने मुंह से हमेशा ना शब्दों को सही निकालो। आप किसी को भी कोई भी शब्द बोल रहे हो सकता है आप मेरे से छोटे हों, आप मेरे से बड़े हों, अगर आप मेरे से छोटे हों तो मैं आपको समझा रही हूँ, और बड़े हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। मैंने बहुत परेशानी बहुत दुख झेले हैं और मैं बहुत हिम्मत से यहाँ तक आई हूँ दोस्त, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मेरे हस्बैंड के पास इतने ही सारे पैसे होते जो मुझे देते, तो वो किसी और से किडनी ना ले लेते हैं, मेरे को ही क्यों दुख देते। और कोई भी पत्नी अगर अपने हस्बैंड का साथ दे रही है उसके कुछ कर रही है तो वो पैसे नहीं लेती है, है ना, जहाँ पे पैसे ले लिए वहाँ रिश्ते नहीं रहते। तो ये कहने से पहले सोच लो, और इतने ही पैसे वाले हम लोग होते तो हैं,
तो ये सब देर थोड़ी लगती, 5 साल तक उन्होंने इतनी मुसीबत इतना दर्द झेला। तो ये बातें ना बहुत ही अजीब और गरीब लगती है, मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, और मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ तो मैं, लेकिन बहुत मेरे लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ थी यार, बहुत धक्के खाया मैंने, बहुत ज़्यादा धक्के खाना जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा धक्के खाए 4-5 साल तक, मतलब मैं बता नहीं सकती। सारी चीज़ें मैंने वीडियो में शेयर भी नहीं की, उसकी वजह से मैं अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ख़राब चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी उस खराब चीज़ों को ही शेयर करने नहीं आई थी, कुछ अच्छी चीज़ों को शेयर करने आई थी जो कि मैं कर रही हूँ, अपनी रेसिपीज, अपनी कुछ अच्छी हैबिट्स, और कुछ आपसे सीखती भी थी। तो पति पत्नी के बीच में ना रिश्ते में ये पैसे नहीं आते, अगर पैसे ही आते तो पत्नी, अगर हस्बैंड पे कोई परेशानी आती या पति पे परेशानी आती तो छोड़ के चल दिए होते एक दूसरे को, ऐसा नहीं होता है लेकिन, है ना। और जहां तक पैसे की बात है, देखो एक औरत अपने पति के लिए या पति भी औरत के लिए बहुत कुछ करता है, तो कहाँ तक तो उसका पेमेंट करेंगे, तो वो मार्केट में किसी और चीज का पेमेंट करने की जैसी बात थोड़ी ना, ये तो रिश्ते हैं तो इसमें एक दूसरे को पेमेंट थोड़ी कर सकता है कोई। एक माँ अपने बच्चे को इतने प्यार से पालती है, वाइफ हस्बैंड के लिए इतना कुछ करती है, कभी कभी हस्बैंड बहुत गलत होता है, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं मेरे आसपास में भी, नाम नहीं लूंगी किसी का, हस्बैंड बहुत गलत होता है, लड़की फिर भी उसको झेलती रहती है झेलती रहती है, उसको सुधारने की भी कोशिश करती है, कभी कभी वो उसको टॉर्चर भी करता है, उसका टॉर्चर भी सहन कर लेती है, लेकिन वो फिर भी ये कि मेरा हस्बैंड है मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकती। बहुत सारे मेरे आसपास में ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो और पता है, ये वाली बातें जो बाहर से देख रहे होते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत आसान होती हैं, लेकिन जो उसको जी रहा होता है ना इस दुख को, तो उसको पता होता है कि ये मुश्किल उसके लिए कितनी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखो मेरे साथ में इतनी फिजिकल प्रॉब्लम रहती हैं, बहुत कुछ रहता है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ती, कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ कि कैसे किसी तरह से हस्बैंड की हेल्प हो जाए। तो आपको लगता है कि मैं मतलब उनसे पैसे ले रही होंगी या मुझे दे रहे होंगे, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करा करो, आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के मेरी आपसे प्रार्थना है कि दूसरों की ज़िंदगी पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैंने कोई गलती की, या फिर मैं बच्चों के साथ में कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर मेरा कोई चीज़ ऐसी गलत है जिसमें आप मुझे सुझाव दे सकते हो, मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें बहुत गलत और बहुत अजीब होती हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऐसी बातें मत किया करो। ठीक है, और आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, निगेटिव नहीं ले रही ना मैं ले रही हूँ ना आप लो, लेकिन प्लीज़ ऐसा फिर कभी नहीं बोलना। तो बहुत दुख भी हुआ मुझे ये सब सुन के, और दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बस यही प्रार्थना करूँगी किसी की ज़िंदगी में भी ऐसा दुख ना आए, बहुत मुश्किल होता है झेलना।